ये श्याम न विद्या न तप न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्मम ते मृत्यु लोक विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति। राम मैं इस पणम में प्रांगण में आयोजित काव्य की पावन परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित करते हुए हिंदी साहित्य के लंबे काफिले का एक अदना सा पैदल सिपाही अब्दुल्लाह गौरी आपके शिष्टशाली संस्कारों को सलाम करते हुए आस्था का शब्द कलश आपके पावन मन के आंगन में स्थापित करते हुए इस गौरवशाली मंच से श्रोताओं की अंतिम पंक्ति तक के सरस वातावरण को सादर संप्रेषित करते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों अब बजाओ यार, पहले से क्यों बजा देते हो। दोस्तों बहुत अच्छा वातावरण है और आप किस मन से सुन रहे हैं, लगता है अच्छे घरों के पढ़े लिखे लोग हो, तभी तो कविता को इतनी शालीनता से सुन रहे हो, तालियां बजा रहे हो। दोस्तों मैंने कोई कविता नहीं लिखी, केवल जो कुछ लिखा इस मिट्टी की वंदना लिखी और आज भगवान राम के प्रांगण में ये काव्यज्ञ आयोजित हो रहा है। चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूं, कितने देशभक्त लोग बैठे हैं, आपकी बाजुओं में कितना देशभक्ति का रक्त प्रवाहित है और कितने आपकी बाजू फड़कती है देशभक्ति के लिए। रायपुर के लोगों आपकी देशभक्ति को सलाम करता हूँ, चार पंक्ति आप तक पहुँचाता हूँ। कम वक्त राजनीति ने वंदे मातरम को भी विवादास्पद कर दिया, मैं बस वहीं से बात प्रारंभ करता हूँ। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूँ, गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब हाथ खोल जाना, अगली पंक्ति पर ताली बजाना, क्लाइमेक्स पे जल्दबाजी मत करो। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। आगे के लोग बहुत देशभक्त हैं, पीछे के लोग कम अब तालियां बजा रहे हैं। एक बात बता दूं, मेरी कविता के मध्य ताली बजाने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जो मन से राष्ट्रभक्त हो, जो मन से देशभक्त हो, और जो नहीं हो तो मत बजाना। और भैया वॉइस थोड़ी बढ़ा दें, ये राम जी के प्रांगण में काव्य यज्ञ आयोजित हो रहा है। राम जन्मभूमि को लेकर मैंने बहुत सारी लंबी चौड़ी कविताएं लिखी, आज केवल चार पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। पूरे देश में गांव गांव ढाणी ढाणी शहर शहर मेरे समुदाय के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके कहता हूं कि इस्लाम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, राम मंदिर का विरोध मत करना। दोस्तों राम मंदिर का विरोध मत करना। दोस्तों राम जी की जन्मभूमि केवल एक ही स्थान पर हो सकती है, मस्जिदें तो कहीं भी बनाई जा सकती है। मेरी भावना प्रश्न मूछ का नहीं है, बात भावनाओं की है। प्रश्न मूछ का नहीं है, बात भावनाओं की है। प्रश्न मूछ का नहीं है, बात भावनाओं की है। मूछ जो तनी तो फिर करोड़ों तन जाएंगी और राम जी की जन्मभूमि एक ही रहेगी। मित्रों मस्जिद तो देश में कहीं भी बन जाएंगी, राम जी की जन्मभूमि एक ही रहेगी। मित्रों मस्जिद तो देश में कहीं भी बन जाएंगी। राम के प्रति इस देश में इतनी अगाध श्रद्धा क्यों? मैंने एक बात बताई, मंदोदरी रावण के पैर दबा रही, रावण बहुत उदास होता है। मंदोदरी पूछते स्वामी आप इतने उदास क्यों हो? रावण ने मायूस होकर के कहा, मंदोदरी हमने लाख प्रयास कर लिए, सीता हमारी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखती। तब मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप तो विभिन्न कलाओं में पारंगत हैं, आप राम जी का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते? तब रावण ने मायूस होकर के कहा, मंदोदरी यही तो हमारी व्यवस्था है, जब जब हम राम जी का रूप धारण करते हैं हमें हर स्त्री में माँ बहन और बेटी दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों ये देश के संस्कार है, ये देश के संस्कार है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं। हमने सोचा था राम राज आएगा, दहक दहक भौतिकता पर राम राज नहीं काउ में व्यापा, राम राज नहीं आया, बदले में मिले हमें विस्फोट आतंकवाद। और आतंक किसी जात धर्म और मजहब का नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। चार पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों करो रामलला पर हमला करो और फिर कुत्ते की मौत मरो, करो रामलला पर हमला करो और फिर कुत्ते की मौत मरो। इतना भी नहीं समझ पाए यार,
रामसर गांव से पढ़िएगा किसी की पार, जलाओ ट्रेन जलाओ, जलाओ ट्रेन जलाओ, जलाओ जरार शरीफ की दरगाह, छल्ली कर दो अक्षरधाम, कम वक्त तुम्हारी बदतमीजों पर बहुत शर्मिंदा इस्लाम। और दोस्तों इस्लाम बहुत मोहब्बत का मजहर है, जिसे आतंकवादी बदनाम करना चाहते हैं दो पंक्तियां कि मानवता जिसका मजहब, मानवता जिसका मजहब विश्वास कभी ना खो सकते, मानवता जिसका मजहब विश्वास कभी ना खो सकते। तुम चाहे जो हो सकते हो पर मुसलमान ना हो सकते, तुम चाहे जो हो सकते हो पर मुसलमान ना हो सकते। और दोस्तों इस्लाम ने सिखाया लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम किसी दीन की बुराई मत करो, किसी मजहब की बुराई मत करो। लेकिन जब अमरनाथ के यात्रियों पर आतंकवादी हमला करते हैं, अब्दुल्लाह गौरी रात रात भर रोता है, चार पंक्तियां लिखता हूं अमरनाथ की यात्रा से, चार पंक्तियां आपको भेंट करता हूं दोस्तों। वो कहते हैं हम अमरनाथ की यात्रा नहीं निकलने देंगे, मेरे देश के धर्म पर अभी जावा शेरों की तरह आगे बढ़ते जो चले जाते हैं, न वो रोक सका न उनका बाप रोक सका, अमरनाथ की यात्रा शारो शकत के साथ निकलती है। तब अब्दुल अय्यूब गौरी आपके बीच कहना चाहता है, अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरो जय चंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्म धरा का परचम नहीं झुका है। चौथी पंक्ति पर ऐसी तालियां बजाना आतंकवादी को कान के पर्दे फट जाए कि राम मंदिर में एक राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरो जय चंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्म धरा का परचम नहीं झुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है। भैया थोड़ी इसकी आवाज और बढ़ा दो, अगर बहुत सारे कवि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बुरी बातें कहते, नहीं कहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की विध्वंसक घोषणा का मैं पंजीकृत प्रवक्ता हूं, ये काम मेरा है, तो भाई तुम क्यों करते हो? नाम लेना भी पसंद नहीं करता, भूल से भी निकल जाता तो पानी के छींटे लगाता हूं, और आज तो सही बता रहा हूं कवि सम्मेलन के बाद मुझे सीधा स्नान करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसके लिए छह पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उसका चरित्र चित्रण कर रहा हूं। हम बस लेकर के जाते, बस से बाहर हो जाता है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हाथ काटने को तैयार हो जाता है, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, हमने कितनी बार जूते मारे मैं गिनाता हूं, आप हिसाब लगाना। दोस्तों चेहरे में शल डालने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान की जितनी पूरी जनसंख्या है उतने तो हमारी जेलों में कैदी बंद रहते हैं, बस उनसे कह दो तुम्हारी सजा माफ तो पाकिस्तान साफ पैरों से कुचल डाले। जितना पाकिस्तान साल भर में पानी पीता है उतने तो हमारे बच्चे पोलियो की दवाई पी जाते हैं, जितना पाकिस्तान का वार्षिक बजट है उतने तो हमारे बिहार के लोग जर्दा चूना मिला के भाग जाते हैं, क्या बिगाड़ेगा हमारा ऐसा नपुंसक देश जिसके 90,000 सैनिकों ने मेरी सीमाओं पर आत्मसमर्पण किया था। और दोस्तों आक्रोश की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हमने कितनी बार जूते मारे हैं। आक्रोश कविता का विषय नहीं है, कविता का उद्देश्य कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, जन्य जन्म भूच स्वरणापि गरीयसी, न दैन्यम न पलायनम, तमसो मा ज्योतिर्गमय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कुछ भी हो सकता है, अभी तो कविता का अंतिम लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी संपन्न रहे। लेकिन जब कोई पड़ोसी मुल्क मेरी माँ के दामन पर उंगली उठाता है तो अब्दुल अय्यूब गौरी आक्रोश पड़ता है, छह पंक्तियां आक्रोश के आपके बीच रखता हूँ। समर्पण था क्या सर्वेक्षण तो बाकी बेहतर में, बहुत बढ़िया हो गया माई भैया, छेड़छाड़ मत करना इसको। समर्पण था क्या सर्वेक्षण तो बाकी बेहतर में, दबा तुम कारगिल से भाला की जब आग थी घर में, कुत्ता बन गया कश्मीर में मारा बेगुनाहों को, ये जूते रोज खाता है चढ़ाता फिर विवाहों को, ये मेरी आपकी हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती, अब हाथ खोल लेना। समर्पण था कि असन पेश कर तो बाकी बेहतर में, दबा दूं कारगिल से भाग लगी आपकी घर में, कुत्तापन किया कश्मीर में मारा बेगुनाह को, जूते रोज खाता चढ़ाता फिर विवाहों को, ये मिमियाती हुई बकरी है, ये मिमियाती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती, ये टेढ़ी पूछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती, ये टेढ़ी पूछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती, ये टेढ़ी पूछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती। और दोस्तों ये टेढ़ी पूछ तो सीधी होगी नहीं, एक बार भूंगी में डाल दिया पाइप में, वो साला पाइप ही टेढ़ा हो गया पर पूंछ सीधी नहीं हुई, सीधी हो ही नहीं सकती। अच्छा पाकिस्तान के जन्म की तारीख क्या है? 14 अगस्त 1947।
जिसके जन्म की तारीख हो तो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। मुझे मेरी जन्म की तारीख मालूम है, मैं जानता हूँ एक दिन मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। कोई माई का लाल मेरे मुल्क हिंदुस्तान के जन्म की तारीख बताए, मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आपके बीच बताऊंगा। क्या बात है, क्या जोश है देशभक्त लोगों, आपको सलाम करता हूं। हमको मिटाने वाले तिल तिल कर मिटे हैं दोस्तों, हमको मिटाने वाले तिल तिल कर मिटे हैं दोस्तों। ये तिरंगा विश्व पर लहराएगा। हमारे ऊपर कितने मिले हुए, कितनी संस्कृतियां आई, हम आज भी आन बान शान के साथ जिंदा हैं, इस संस्कृति में ऐसा कुछ तो रहा होगा। हमको मिटाने वाले तिल तिल कर मिटे हैं दोस्तों, ये तिरंगा विश्व पर लहराएगा। कोई बता दे पैदाशी तारीख हिंदुस्तान की तो मान लूंगा ये वतन मिट जाएगा, तो मान लूंगा ये वतन मिट जाएगा। एक साहब ने कहा, गौरी साहब सबसे भारी चीज क्या होती है? मैंने कहा मैं नहीं बता सकता, उस बूढ़े बाप से पूछना जिसका बेटा कारगिल से तिरंगे में लिपट कर आया हो। जिस बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा दिया हो बता सकता सबसे भारी चीज क्या होती है। लुटा लुटा सा बाप दुखी मेहतारी होती है, लुटा लुटा सा बाप दुखी मेहतारी होती है। जैसे पूरी बस्ती ही दुखियारी होती है। सबसे भारी चीज बताना पाऊं मैं शायद, पर पिता के कंधों पर पुत्र की अर्थी सबसे भारी होती है। पिता के कंधों पर पुत्र की अर्थी सबसे भारी होती है। पिता के कंधों पर पुत्र की अर्थी सबसे भारी होती है। दोस्तों मेरा बेटा आर्मी में मेजर है, उसका सबसे पहला पोस्टिंग कश्मीर में हुआ आतंकवादियों के गढ़ के बीच में। जब मैं उससे मिलने के लिए गया, सैनिक वहां के सरहद के सिपाहियों ने मुझसे कहा, गौरी साहब हम जानते आप हिंदी के बड़े कवि, हमारा दर्द भी लोगों तक पहुंचा था ना। मैंने संकल्प लिया था आप जैसे बुद्धिजीवी लोग मुझे मिलेंगे, उन सैनिकों की बात, उन सैनिकों का दर्द आपकी झोली में डालूंगा। चार पंक्तियों से उनका दर्द आपकी झोली में डालता हूं। क्या है उनका दर्द? हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े। आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना, शहीदों की चिताओं पर जोड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और दोस्तों उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद पर निगहबान है आंखें। फिर वापस उनका दर्द आपकी झोली में डालता हूं। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े। आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना, हम अपनी लाशों से सरहद पर दीवारें चुनवा देंगे। तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना, तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना, तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना। और दोस्तों एक शहीद की चिता जल रही है, एक जवान युवा लड़की बौखलाई आती है हजारों के बीच में, क्या की है उस लड़की की अंगूठी में शहीद का चित्र था। सगाई हो गई थी, केवल फेरे पड़ने शेष थे। सरहद से खत लिखा था, 10 दिन की छुट्टी लेकर आऊंगा, दूल्हा बनकर आऊंगा, तुझे दुल्हन बना करके ले जाऊंगा। उससे पहले आपका भाई आपका बेटा तिरंगे में लिपट कर आपके आंगन में आ जाता है। उस लड़की की पीड़ा जिसकी सगाई हो केवल फेरे पड़ने शेष है, वह हरे मेरे मुल्क की नारियों तुम्हें सलाम करता हूं। यही वो मुल्क है जहां मेरी माता बहनाएं शहीद की विधवा होने पर गौरव का एहसास करती हैं। तभी मेरी संस्कृति रही है, यत्र नारी से पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस लड़की की पीड़ा आपकी झोली में डालता हूं जिसकी सगाई होगी केवल फेरे पड़ने शेष है। जितनी भी तालियां मेरी माता बहनों के सम्मान में, मातृशक्ति के सम्मान में बजाना, शायद मुझको भी यह गौरव मान मिला होता, शायद मुझको भी यह गौरव मान मिला होता। हृदय सुमन मेरा भी आज खिला होता, रही अभागिन घर फेरे पड़ जाते तो, शायद मुझको भी यह गौरव मान मिला होता। हृदय सुमन मेरा भी आज खिला होता, रही अभागिन घर फेरे पड़ जाते तो, मुझे शहीद की विधवा होने का सम्मान मिला होता, मुझे शहीद की विधवा होने का सम्मान मिला होता, मुझे शहीद की विधवा होने का सम्मान मिला। और दोस्तों परमाणु विस्फोट करने के बाद जब कलाम साहब अमेरिका गए, अमेरिका के पत्रकारों ने एक सवाल किया, खान साहब पटाखे तो चला दिए, रोटियों का क्या होगा? उस राष्ट्रभक्त व्यक्ति ने कहा,
हम तो भगवान राम के देश के लोग हैं, हम 14 वर्ष कंदमूल फल खा करके गुजारा कर सकते हैं, हमने कभी रोटियों की परवाह नहीं कही। अमेरिका सारे प्रतिबंध लगा दे, सारी मेहरबानी हटा दे, और एक महत्वपूर्ण बात कही, खुदा भी जिंदगी देता है, अपनी उधार देता है, अपने वापस ले लेता है। अमेरिका कोई खुदा नहीं है, सारे प्रतिबंध लगा दे, सारी मेहरबानी हटा दे। मैंने 4 पंक्तियों में लिखा, नवरात्रि के व्रत और रमजान का महीना साथ साथ चला, कई बार हमें लगता है कुदरत कहीं मिलाना चाहती है। कलाम साहब की पंक्तियां, कलाम साहब की भावनाएं, मेरी पंक्तियां, कह दो से हटा दे सारी मेहरबानियां, कह दो से हटा दे सारी मेहरबानियां, कि वो नहीं खुदा है जो उधार देगा जिंदगी, कह दो से हटा दे सारी मेहरबानियां, कि वो नहीं खुदा है जो उधार देगा जिंदगी। अरे उपवास मान हिंदू जीवन बिताएगा तो रोजा मान मुस्लिम गुजार देगा जिंदगी, उपवास मान हिंदू जीवन बिताएगा तो रोजा मान मुस्लिम गुजार देगा जिंदगी। और दोस्तों, ये मुल्क उन लोगों का है जिसके लिए कुर्बानियां देते हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हें तोहफा पेश करना चाहते हैं, उनके 2 बेटों का सब कलम करके थाल में सजा करके कपड़े से ढक करके जब उनको दिया, उन्होंने जब कपड़ा उठाया कहा या अल्लाह इस वतन पर कुर्बान होने के लिए मुझे और बेटे क्यों नहीं दिए। ये उनका देश है दोस्तों जो कुर्बानियां देते हैं। 4 आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं, शायद आपको याद रह जाए रायपुर के लोगों, जब कारगिल के शहीदों की सूची पाकिस्तान के सदन में रखी गई, पाकिस्तान के कदम लड़खड़ाने लगे, 550 शहीद जिसमें से 157 मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान हमें कभी कश्मीर नहीं देगा। आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों की तरफ से आतंकवादियों को चेतावनी भेजता हूं 4 पंक्तियों से, केसर की क्यारी में तुमको ईद मनाने ना देंगे, केसर की क्यारी में तुमको ईद मनाने ना देंगे, और कश्मीर में कौमी ध्वज तुमको फहराने ना देंगे। ये हिंदुस्तानी अब्दुल हमीद माता का चीर नहीं देंगे, केसर की क्यारी में तुमको ईद मनाने ना देंगे, और कश्मीर में कौमी ध्वज तुमको फहराने ना देंगे। ये हिंदुस्तानी अब्दुल हमीद माता का चीर नहीं देंगे, लाशों से धरा पाड़ देंगे, लेकिन कश्मीर नहीं देंगे, लेकिन कश्मीर नहीं देंगे, लेकिन कश्मीर नहीं देंगे। भारत माता की, भारत